हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस पर्टिकुलर क्लास जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेंटी एथ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड शिफ्ट एन क्वेश्चन पेपर के जीएस जीके के क्वेश्चंस को टोटल फोर्टी क्वेश्चन आपके जो है जी ए जी एस से मिला के पूछा गया है और बाकी थर्टी थर्टी क्वेश्चंस जो है आपके रीजनिंग से और मैथ से पूछा गया है विच मेक्स इट फोर्टी प्लस थर्टी प्लस थर्टी दैट इज हंड्रेड क्वेश्चन लास्ट वीडियो जो हमने लाइव स्ट्रीम किया था वो अब तक चैनल पे वीडियोस सेक्शन में आपको नहीं दिखा रहा है तो मैंने उसको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दिया है और जो आपके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं वो इस चैनल में इस पर्टिकुलर मोमेंट में उसको मैं अभी रिकॉर्ड करके फिर अपलोड कर दूँगी आई होप आप लोगों तक जल्दी पहुँच जाए बिफोर स्टार्टिंग द सेशन देर इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट प्लीज़ शेयर योर क्वेश्चंस जो आपके शिफ्ट में पूछा जाए इन दिस पर्टिकुलर नंबर वाया व्हाट्सअप सिक्स जीरो ज़ीरो थ्री एट फाइव फाइव ज़ीरो फाइव एट जलियन वाला बाग के समय में वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था तो उस समय वाइस रॉय चैम्सफोर्ड, सो took प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइस रॉय चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मालाबार रेबिलियन के बारे में पूछा तो मालाबार रीजन ही कहाँ लाई करता है मालाबार रीजन केरला रीजन में लाई करता है तो इसका आंसर क्या था केरला। किस ईयर में अगर आपसे पूछे तो 1921 को आपका मालाबार रेबिलियन जिसे मोपला रायोट्स के नाम से या फिर मपिला रायोट्स के नाम से भी जाना जाता है ये स्टार्ट कैसे हुआ था रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन द मलाबार रीजन लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कम्युनल वायलेंस जो है यहाँ पे चिड़ गया था नेक्स्ट बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सर सभी लोग को पता है कि 1857 जो है क्या हुआ था यहाँ पे 1857 में रिवोल्ट हुआ था या फिर आप कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन फर्स्ट ऐसा आंदोलन जिसके थ्रू हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जिसे कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस उससे ठीक सौ साल पहले क्या हुआ था 1757 को हुआ था बैटल ऑफ प्लासे तो अगेन प्लासे बक्सर एंड रिवॉल्ट ये तो कनेक्टेड सीरीज है तो आपको आई होप ध्यान रहे अगेन 1757 के बाद आप ध्यान रखिए 1764 फिर इम्पॉर्टेंट ईयर 1857 एक साल आगे बढ़ जाएंगे तो 1858 उसको उल्टा देंगे तो 1885 और 1885 में क्या हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड फिर 1905 बंगाल पार्टीशन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया फिर 1919 इसी शिफ्ट में रिवॉल्ट पूछा गया इस सीक्वेंस को देखेंगे तो 1917 से 1919 टू ईयर्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि गांधी जी भारत में आके चंपारण अहमदाबाद मिल मूवमेंट खेदा खेरा कभी सीक्वेंस अगर उल्टा रहे तो फिर चंपारण खेडा अहमदाबाद अदरवाइज केक फिर 1920 में नॉन कोऑपरेशन 1930 में सिविल डिसऑबीडियंस 1942 फोर्टी टू गिट इंडिया तो इम्पॉर्टेंट ईयर्स में से ही बैटल ऑफ क्लास से आपको पूछा नेक्स्ट स्वराज पार्टी जब 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था तो दो साल के अंदर क्या हो गया वायलेंस जो है और यहाँ पे जो नॉन वायलेंस था कि नॉन वायलेंस रखना है वायलेंस नहीं करना है पर चाउरी चाउरा में वायलेंस हो गया एज ए रिजल्ट ऑफ विच महात्मा गांधी विड्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 अब क्या होगा अब उसके बाद दो चीजें ध्यान रखना है एक तो पार्टी लो स्वराज पार्टी बना लिया मोतीलाल नेहरू वाज़ दी सेक्रेटरी एंड सी आर दास वाज़ दी प्रेसिडेंट तो जो भी आपसे पूछे आपको बताना है मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी सी आर दास प्रेसिडेंट स्वराज पार्टी दूसरा दूसरी तरफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ध्यान रखिएगा 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है तो ये केरला में स्थित है विजिबल लेयर ऑफ सन ये सीरीज का क्वेश्चन है कि आउटर मोस्ट अगर आपसे पूछे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन तो आपको फिर से कोरोना बोलना है विजिबल लेयर या फिर कोरोना नहीं है तो फोटोस्फीयर बोलना है नहीं तो नेक्स्ट लेयर पे जाना है क्रोमो पे चला जाना है पर ये फर्स्ट दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कोरोना और फिर फोटोस्फीयर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आ गए हैं पॉलिटी पे आपको जैसे कि मैंने पिछले शिफ्ट में भी बताया था गवर्नर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और चीफ मिनिस्टर का लिस्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है एटलीस्ट अपडेटेड वाला पढ़ लीजिए और गवर्नर के केस में जहां एक से ज़्यादा स्टेट के सेम गवर्नर दिखे वो वाला पढ़ लीजिए तो चीफ मिनिस्टर ऑफ़ गुजरात कौन है हर महीने जब हमने करेंट अफेयर्स किया तब हर बार पढ़ते पढ़ते भी आपको ध्यान हो गया होगा विजय भाई आर रूपानी चीफ मिनिस्टर ऑफ़ गुजरात नेक्स्ट पॉलिटी से क्वेश्चन रहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहली बार कहाँ पे कब मिली थी तो फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में आपका 1946 को जो है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड और उसके बाद टू इयर्स इलेवन मंथ्स एटीन डेज लगभग तीन साल लगा के हमने जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वी एक्ट एंड गिफ्ट नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो है अगर पूछा जाए कभी प्रेसिडेंट कौन तो फिर टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे सच्चिदानंदा सिन्हा और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद तो इस तरीके से आपको पॉलिटिक्स से भी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश आनंदी पटेल एमपी ऑफ मध्य प्रदेश के गवर्नर जो रिसेंटली पास हुए थे या फिर रिसेंटली एक्सपायर हुए थे उनका नाम लालजी टंडन सो so, मध्य प्रदेश गवर्नर हु रिसेंटली पास्ट अवे आंसर लालजी टंडन नेक्स्ट इज योर प्रेसिडेंट ड्रॉज अ बेसिक सैलरी ऑफ फाइव लैक्स पर मंथ आपको वाइस प्रेसिडेंट के लिए पूछा गया था कि सैलरी कितना होता है तो वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी फोर लैक्स पर मंथ आगे गवर्नर पूछे तो 3.5 लाख पर मंथ पे आप टिक कर सकते हैं 5, 4 और 3.5। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड किया गया था आपको हो सकता है स्वरण सिंह कमेटी के बारे में आगे पूछे ध्यान रखिएगा फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन फोर्टी सिक्स फोर प्लस टू नाइनटीन फोर्टी सिक्स से फंडामेंटल ड्यूटीज को एड किया था फिर ध्यान रखिए पार्ट वन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज बताना है फिर उसके अंदर रहने वाले लोग पार्ट टू आर्टिकल वन से लेके फोर आपका पार्ट वन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट टू यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सिटीजनशिप कहाँ से फाइव से लेके इलेवन पार्ट थ्री आप फंडामेंटल राइट्स भी तो यहाँ पे सबको देना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल ट्वेल्व से लेके थर्टी फाइव पार्ट फोर फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज है तो तुरंत से ए लगा दीजिए फिफ्टी वन ए लगा दीजिए तो बचा क्या पार्ट फोर डी पी एस पी आर्टिकल थर्टी सिक्स से लेके आर्टिकल फिफ्टी वन तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम इतना सबको ध्यान रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट फोर क्या है आगे ए तो पार्ट फोर ए में क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज है दैट इज द ट्रिक ओके करना चाहिए सबने इलेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटीज बट मेनी पीपल डू नॉट डू तो इसीलिए फिफ्टी वन ए दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर और इलेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कि अगर यहाँ पे सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स का चिल्ड्रेन है तो इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स और द गार्जियन टू सेंड एम फॉर बेसिक एलिमेंटरी एजुकेशन, ओके फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन 1946. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी साइंस के क्वेश्चन पे डी टू ओ के बारे में पूछा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर हम क्या यूज करते तो फ्यूएल ध्यान रखिएगा यूरेनियम टू थर्टी फाइव नहीं तो टू थ्री नाइन और मॉडरेटर क्या यूज करते हैं डी टू ओ दैट इज वाटर फिर आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैडमियम रॉड्स का यूज कर सकते हैं तो वो भी पूछा जा सकता है कैडमियम रॉड्स ओके इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट का लोकेशन पूछते हैं जैसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है तो तमिलनाडु इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट फार्मूला ऑफ हार्ड वाटर आपसे पूछा है तो हार्ड वाटर क्या होता है हार्ड वाटर इज नथिंग बट नॉर्मल वाटर ओनली बट उस वो हार्ड बना किस लिए क्योंकि उसमें सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम जो है मिक्सड रहता है इसीलिए सो डिटर्जेंट मस्ट बी यूज सोप से ज़्यादा काम करेगा और साथ ही साथ हार्ड वाटर है तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स लाइक बॉइलिंग द वॉटर फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स एक्सेट्रा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बट फॉर्मूला सेम नेक्स्ट जैसे कि विटामिन एंड डिजीज है ना सबसे कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं तो आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा कि विटामिन डी के वजह से क्या होता है विटामिन डी के वजह से रिकेट्स हो सकता है सिमिलरली विटामिन सी के वजह से क्या हो सकता है स्कर्वी हो सकता है विटामिन ए के वजह से जेरोपथेलमिया हो सकता है या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है बी वन के वजह से बेरी बेरी हो सकता है बैरी बेरी, -बेरी. so like this these are very common questions based on vitamins and diseases first indian to get the nobel prize in economics amartya sen ab yahan se economy ke questions pe yahan tak science mein the yahan se economy ke questions pe aa gaye hain next is national income सबसे पहले किन्होंने calculate किया था तो दादा भाई नेवरोजी जिन्होंने drain of wealth theory भी दिया drain of wealth थोरी अंग्रेज जो है सारा इंडिया का वेल्थ जो है यूके ले लेके जा रहा है और ड्रेन ऑफ वेल्थ दिस ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज द फुल फुलर अब आ जाइए कुछ ऐसे क्वेश्चन पे जो करेंट का नहीं बल्कि स्टेटिक का है जो हमने बाकियों में इंक्लूड नहीं किया इंडिया का सबसे पहला कम्युनिकेशन सेटेलाइट का नाम क्या है सो एप्पल एप्पल इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन सेटेलाइट ऑब्वियसली कौन बनाएगा इसरो इस सेटेलाइट को बनाएगा कभी कभी पूछा जाता है कि लॉन्च बाय सो दिस सेटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय एरियन वन फ्रॉम कोरो फ्रेंच गिनी कोरोसो रिमेंबर कि किसके किसने इसको तो ऑब्वियसली इसरो जो है इसको लॉन्च करेगा क्योंकि इंडिया का फर्स्ट कम्युनिकेशन सेटेलाइट है नेक्स्ट फिल्म फेयर एवॉर्ड हमेशा आपको यहां से क्वेश्चन रहता ही है तो दो करेंट का क्वेश्चन है बट ये वो क्वेश्चन है कि मतलब शॉर्ट शॉर्ट रहता है लगभग हर एक एग्जाम में तो करेंटली किसको मिला गली बॉय को मिला आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस भी दे दिया है ना तो न्यूज में भी काफी ज्यादा ये आपका चर्चे में बना रहा नेक्स्ट कौन सा रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है लाइक व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है लाइक ग्रीन रिवोल्यूशन व्हीट से रिलेटेड ग्रीन रिवोल्यूशन वन तो सिमिलरली दे आर आस्किंग योर क्वेश्चन तो ग्रे रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर आपको पूछते ही है तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है न्यूयॉर्क में है बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है नेक्स्ट दे हैव्यू अबाउट नोकिया के सीईओ कौन है तो नोकिया के सीईओ पेनमार्क इज द सीईओ ऑफ नोकिया ये था आपका क्वेश्चन टिल द पार्ट जहां पे आपको स्टैटिक कह सकते हो या फिर करंट के वो क्वेश्चन जो कि आपके ऑब्वियस बन सकते हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते वो वाले क्वेश्चन अब ये जो है यहाँ पे फ्रॉम टू थाउजेंड फिफ्टीन बने हुए हैं तो अभी तो काफ़ी आपका ऑलरेडी करेंट अफेयर्स में ही आपको आप यूज टू हो गए होंगे इस नाम को टिक करने में नेक्स्ट आपको म्यूजिक से एक एवॉर्ड पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा ग्रेमी एवॉर्ड तो बहुत से गाने में खुद ही सिंगर होते ग्रेमी लेके आऊंगा तो दिस इज़ अ व वेरी फेमस ग्रैमी एवॉर्ड्स देन देयर इज योर अमेरिकन म्यूजिक एवॉर्ड एंड देन देर इज़ योर बिलबर्ड म्यूजिक एवर्ड तो ये इम्पॉर्टेंट म्यूजिक से रिलेटेड एवर्ड है सो दीज वेर द क्वेश्चन अभी मेरे पास इसमें ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन थे मॉर्निंग वाले शिफ्ट में सो मैनी पीपल हैड सेंड दी क्वेश्चन सो मेरे पास टोटल फिफ्टी एट की फिफ्टी नाइन क्वेश्चन हो गया था मॉर्निंग वाले शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का बट इस शिफ्ट का आई स्टिल हैव ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेश्चन इसके अलावा जो भी आपके शिफ्ट में रहा इन द कॉमेंट बॉक्स एंड वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सेंड द क्वेश्चन थ्रू द्हाट्सअप इन द नंबर प्रोवाइडेड जो आपको स्टार्टिंग में भी दिखा था और अभी भी स्क्रॉल करता हुआ नजर आ रहा होगा थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग मी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट एंड ऑल द बेस्ट डो नॉट वरी अगर आप आपके शिफ्ट में इससे क्वेश्चन का लेवल नेक्स्ट लेवल तक देखते हो या फिर भविष्य में अगर और भी नेक्स्ट लेवल तक देखते हो प्लीज़ डो नॉट वरी ये तो हमेशा आपका टेंडेंसी होता है कि फर्स्ट शिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इजी पूछते हैं हो सकता है आने वाले शिफ्ट में हो सकता है हो सकता है ना भी हो आप बिल्कुल चिल मोड में पेपर देके आओ पर हो सकता है कि पेपर का लेवल हर एक शिफ्ट के साथ थोड़ा आगे निकलता हुआ नजर आए बट दिस इज परफेक्टली नॉर्मल और इसीलिए तो नॉर्मलाइजेशन होता है तो एग्जाम में ये टेंशन प्लीज मत लीजिएगा कि फर्स्ट शिफ्ट का तो बहुत ईजी था अब क्या होगा ऐसा कुछ नहीं है सभी स्टूडेंट्स पेपर देंगे उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा कॉन्फिडेंटली एकदम चिल मोड में अपना पेपर दीजिए ठीक है थैंक यू एवरीवन प्लीज़ टेक केयर ऑफ व्हाट आई हैव सेड यू अबाउट द शिफ्ट एंड अगर शिफ्ट थोड़ा सा इधर जो है क्वेश्चन का लेवल आपको कंपेयर मत कीजिएगा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट के साथ बिना कंपेयर किए आप अपने पेपर में अपना बेस्ट दीजिए रेस्ट द नॉर्मलाइजेशन विल टेक केयर ओके थैंक यू एवरीवन टेक केयर स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन